सो गाइस, दिस कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दी गए है बीएन एडिटर एप्लीकेशन के अंदर आप ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि अपनी फोटो से आप लिरिक्स वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को बीएन एडिटर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आप बीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर बिल्कुल फ्री में आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, बीएन ऐप ओपन करने के बाद नीचे आपको प्लस आइकन मिलता है, आप इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप वीडियो से फोटो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आप अपना पिक्चर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना, जिस फोटो से आप लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे ऐड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि एरो का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करना तो आपका पिक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस टाइमलाइन को इस तरीके से छोटा कर लेना, ठीक है। सो अगर आप टाइमलाइन को कुछ ऐसा करेंगे अपनी फिंगर से तो ये जो टाइमलाइन है छोटा हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी फ़ोटो के टाइमलाइन के साथ यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन मिलता है। तो मेक श्योर आपको इसे डिलीट कर लेना है। तो आप इस ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर लेंगे। उसके बाद आप इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका जो टाइमलाइन है उसको आप बड़ा कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन जो बड़ा कर लिया, तो इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो। ऊपर में आपको ओरिजिनल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक कौन सा एस्पेक्ट रेशियो में आप लिरिक्स वीडियो बनना चाहते हो, या फिर आप ओरिजिनल को भी सिलेक्ट कर सकते हो मेरी तरह। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में मिलता है टैप टू ऐड स्टिकर स्लैश पी आई पी, इस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो स्लैश फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करना है। सो यहाँ से मैं अपना कुछ इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ से सबसे पहले हम ये वाला जो इफेक्ट इसको ऐड करेंगे। सो मैं आपको बताऊँगा आपको इफेक्ट मिलेगा कहाँ। सो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट है। तो सबसे पहले इसे पूरी स्क्रीन पर जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से, मैंने जूम कर लिया और आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो है ग्लोइंग इफेक्ट है। तो इसे ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ब्लेंडिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लाइटन, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे कर देंगे डन। सो लाइटन या स्क्रीन आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तो स्क्रीन अप्लाई कर लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद कर देंगे डन। ओके, सो ये आपकी वीडियो के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो से स्लैश फोटो सिलेक्ट करेंगे और अभी आपको एक और इफेक्ट ऐड कर लेना है। सो लाइक ये भी एक कुछ इस टाइप का इफेक्ट है, लाइक स्नोफॉल वाला इफेक्ट, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो अभी हमें ये वाला जो इफेक्ट है इसको ऐड करना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये इफेक्ट किस टाइप का है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, सो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, जो सर्कल दिखाई दे रही है, फुल होने के बाद ये जो इफेक्ट है ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो जब आपको इफेक्ट फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे बी एन एडिटर एप्लीकेशन के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा, लेकिन उसके बाद जब आप इसे यूज़ करेंगे तो ये जो प्रोसेसिंग है आपके सामने नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे बड़ा कर लेना है, देन इसे रोटेट कर लेना है इस तरीके से। ओके, रोटेट करने के बाद आप इसे पूरी स्क्रीन पर जूम कर लेना, मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का स्नोफॉल इफेक्ट है। तो अभी आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है ब्लेंडिंग पर। सो ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देंगे आप जो स्क्रीन, तो ये आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। सो अप्लाई कर लिए, इसे आपको प्ले करके दिखाया था। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे। सो इस पर आप क्लिक करेंगे और वीडियो स्लैश फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और आपको एक इफेक्ट ऐड करना है, लाइक बिगनेट इफेक्ट आपको ऐड करना है। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं ये वाला जो इफेक्ट है कुछ इस टाइप का है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इफेक्ट है इसका नाम है बिगनेट इफेक्ट। तो आप इसे इस तरीके से ऐड कर लेना है एंड पूरी स्क्रीन पर जूम कर लेना है, ठीक है। सो मैंने जूम कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टाइमलाइन आपको अपनी फोटो के साथ एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने जो इतना इफेक्ट यूज़ किया, सो इसे हम थोड़ा नीचे की साइड पर सेट करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको हमने सेट कर लिया। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अपना जो लिरिक्स है उसको लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने जितने भी इफेक्ट यूज़ किया सभी इफेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है। तो उसके बाद आपको अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो स्लैश फोटो के ऊपर क्लिक करना है और अभी आपको अपना जो लिरिक्स है उसको ऐड कर लेना है।
सो आपको लिरिक्स कहाँ मिलेगा, कैसे बना सकते हो, मैं आपको सारा चीज़ इस वीडियो पर बताऊँगा, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ से मैं अपना एक लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैं देख लेता हूँ कौन सा लिरिक्स ऐड करूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑलरेडी लिरिक्स है, आप देख सकते हो, तो मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये वाला ऐड कर लेती। सो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सर्कल जो कंप्लीट होने के बाद ये ऐड हो जाएगा। सो ये ऐड हो चुका, आप देख सकते हो। अभी आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से हम प्ले करते और ये हमारा लिरिक्स कुछ इस टाइप का है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे जूम कर लेना है पूरी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। जूम करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर नीचे की साइड पर सेट करना है आपको। सो अपने हिसाब से सेट कर लेना स्क्रीन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर आपको आ जाना है, ठीक है। और आने के बाद आप इसे सिंपली कर देंगे स्क्रीन। सो स्क्रीन करना है, ओके। स्क्रीन करने के बाद कर देंगे डन। सो डन करने के बाद ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आ चुका है आपकी फ़ोटो के ऊपर। सो आप देख सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका साउंड जो यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना अपना लिरिक्स। उसके बाद आपको आ जाना है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम पर आने के बाद आप इसका जो वॉल्यूम है 100% कर लेंगे इस तरीके से, ओके। सो आपकी लिरिक्स पर साउंड आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर एक और इफेक्ट ऐड करना है, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करना है, वीडियो स्लैश फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। और अभी जो हम इफेक्ट यूज़ करेंगे उसका नाम है रेड ड्रॉप्स। तो ये रहा रेड ड्रॉप्स, इसको ऐड कर लेते। सो इसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से जो है प्रोसेसिंग होगा, जैसे कि आपको पता है कि पहले भी काफ़ी बार प्रोसेसिंग हुआ है, तो ये इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते, ओके ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ट्रेंड ऑफ इफेक्ट आ चुका है। सो अभी इसे जूम कर लेना है पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से। तो मैंने जूम कर लिया। जूम करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग पर आ जाना है। सो ब्लेंडिंग मोड पर आके आप इसे कर लेंगे स्क्रीन, एंड उसके बाद कर देंगे डन। तो कुछ इस तरीके से आपकी फ़ोटो पर रेंडो इफेक्ट आ जाएगा। सो अभी मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो प्ले करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। सो अभी आपको बताया था कि आप इस तरीके लिरिक्स कैसे बना सकते हो। तो इस टाइप के काफ़ी सारे लिरिक्स का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया वीडियो। सो आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपका सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि किस तरीके से आप बी एन एडिटर एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप का ग्लोइंग लिरिक्स वीडियो बना सकते हो। लेकिन यह काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है नोट वीडियो एडिटर ग्लो ऐड करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बना कर रखा, आप चाहो तो उन ट्यूटोरियल को देख के सीख सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो मैंने जो है कुछ लिरिक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया ब्लैक स्क्रीन के साथ, उन्हें आप डाउनलोड करके अपनी फोटो पर कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो मेरे पास जितने भी लिरिक्स थे मैंने सभी का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाया था, जैसे कि अगर आप अपनी फोटो पर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर इसके टिक मिडिल पोजीशन पर हम स्प्लिट कर लेते। सो कैची पिक के ऊपर क्लिक करके आप इसे स्प्लिट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं इफेक्ट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस टाइप का काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाया था। सो कुछ इस टाइप का तो ढेर सारा इफेक्ट मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगता है अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट पे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पर मिलता है जूम, आप इस पर क्लिक करेंगे। और जूम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ मूविंग इफेक्ट मिलता है, लाइक आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके से मूव होगा लेफ्ट साइड की तरफ, इसके अलावा कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ मूव होगा। अगर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी फ़ोटो पर इस टाइप का एक मूविंग इफेक्ट आ जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कूल एक इफेक्ट है। तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, साथ में आप ये वाला क्लिप पर भी लगा सकते हो, लाइक के मोबाइल राइट को अप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका जो फोटो है राइट साइड की तरफ मूव होगा। उसके बाद कर देंगे डन, तो आपकी फ़ोटो पर एक अमेजिंग सा इफेक्ट आ जाएगा। सो अगर आपको ऐसा इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। सो यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाया, तो आप देख सकते हो, ओके। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट लिरिक्स वीडियो एडिटिंग सीख लिया, एंड अभी क्या करना है, इसे सेव करना है। तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से 4K या 2K रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना। मैं 4K सिलेक्ट करता हूँ। FPS यहाँ से आप 30 या 60 सिलेक्ट कर सकते हो, मैं 60 सिलेक्ट कर रहा हूँ। बिटरेट को आपको हाई सिलेक्ट करना है। ये जो टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो वीडियो आपने एडिटिंग किया और BN एडिटर एप्लीकेशन के अंदर वो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।